जय श्री श्याम। आज अपना बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स का यूनिट 5 का लेक्चर 2 रहेगा और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एलिमेंट्री पार्टिकलों के परिचय के बारे में पढ़ा था और उसके साथ डिस्कस किया था अभी किस प्रकार से एलिमेंट्री पार्टिकलों की उत्पत्ति हुई, कौन से चरण के ऊपर इनके एलिमेंट्री पार्टिकलों की बढ़ोतरी हुई और अब लगभग 100 के करीब के अभी एलिमेंट्री पार्टिकलों की क्या अभी खोज हो चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भी उन एलिमेंट्री पार्टिकलों को जो जिस प्रकार से डिवाइड किया गया, भी किस प्रकार से हम के भी विभागों में बांटा गया या किस प्रकार से पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, आज हम उसके बारे में क्या भी डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा भी उनको जो भी डिवाइड किया गया, तो एक तो पार्टिकलों को डिवाइड किया गया उसकी स्पिन के आधार पे, ठीक है। दूसरा किया गया भी कणों की संभव अन्योन्य क्रियाओं के आधार पे, भी किस प्रकार की इंटरेक्शन होती है उसके आधार के ऊपर, या भी प्रबल है अन्योन्य क्रिया है या दुर्बल है या गुरुत्वीय है या विद्युत चुंब की अन्योन्य क्रिया है, इसके आधार पे डिवाइड किया गया, या फिर उसको डिवाइड किया भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के आधार पे, भी जो पूरी की पूरी जो 100 के करीब जो पार्टिकलों का समूह है उसे इस प्रकार से क्या डिवाइड किया गया। तो आज हम देखते हैं भी किन तरीके से उनको डिवाइड किया गया और किन तरीकों से क्या अभी हम उनको याद रखते हैं। फिर जो हमारे पास ऐसे ऐसे भी हेड्रॉन पढ़ेंगे, बोसोन्स पढ़ेंगे, फर्मियोन्स पढ़ेंगे, लेप्टॉन्स पढ़ेंगे, भी इनके बारे में क्या डिस्कस करेंगे, या जो परचक्रण है या नेज कोणीय संवेग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या भी जो फर्मियोन्स होते हैं, बोसोन होते हैं, इनके अंदर भी कौन से पार्टिकल आते हैं, इनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, वो भी आज के हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर देखते हैं भी पार्टिकलों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, फर्स्ट सेकेंड थ्री। एक तो कणों की स्पिन के आधार पे, स्पिन के आधार पे, दूसरा कणों की संभव अन्योन्य क्रियाओं के आधार पे, किस प्रकार की इंटरेक्शन होती है उसके आधार पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट डिवाइड किया गया कण तथा प्रतिकण के आधार पर, प्रतिकण के आधार पर भी पार्टिकल है एंड एंटी पार्टिकल। भी तीनों के ऊपर डिस्कस करेंगे भी स्पिन के आधार पे क्या है भी किस प्रकार से डिवाइड किया गया भी एलिमेंट्री पार्टिकलों के समूह को, संभव इंटरेक्शन के आधार पे किस प्रकार से क्या भी उसको डिवाइड किया गया, और पार्टिकल था एंटी पार्टिकल के आधार पे क्या भी किस प्रकार से उनको डिराइव किया गया। इनकी जानकारी करने से पहले कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं भी हेड्रॉन्स, बोसोन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं भी वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भी परचक्रण, या स्पिन बोलते हैं इसको, या नेज कोणीय संवेग भी बोलते हैं, नेज कोणीय संवेग, विपरचक्रण बोल दो या स्पिन बोल दो या नेज कोणीय संवेग बोल दो, ठीक है। ये बात बताता है भी किसी भी हर पार्टिकल का क्या होता है भी स्पिन होती है,
या भी उसका नेज कोणीय संवेग एक ही बात होती है, भी हर पार्टिकल की स्पिन होती है उसका नेज कोणीय संवेग होता है, उसको के किसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या भी किसी पार्टिकल का नेज कोणीय संवेग आपको बताना है तो आपको किसी डायरेक्शन के अलोंग, मान लो एस जेड, जेड दिशा के अलोंग क्या हो जाएगा भी एम जेड एच क्रॉस, ये भी किसी पार्टिकल का नेज कोणीय संवेग बता सकते हैं। यहाँ पे एम जेड माइनस एस से लेके माइनस एस से टू एस, माइनस एस से लेके क्या होता है भी प्लस एस, एस तक होता है। एच कट यहाँ पे क्या है भी एच अपॉन टू पाई है और एच यहाँ पे क्या है भी प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो एम जेड होता है आपका एम जेड चुंबकीय स्पिन क्वांटम संख्या है और जो एस है स्मॉल एस वो क्या है भी आपकी स्पिन क्वांटम संख्या। देखिए अभी किसी भी पार्टिकल का स्पिन वो परचक्रण ज्ञात करते हैं तो इस फॉर्मूले की सहायता से क्या अभी हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये बताता है भी आपको भी कई नाम सुने होंगे भी, एक तो आपने हेड्रॉन नाम सुना होगा, हेड्रॉन्स, हेड्रॉन क्या होते हैं, बेरियन, सॉरी हेड्रॉन्स, बेरियन्स के बारे में क्या अभी बाद में पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा डीपली लेवल में चला जाता है, बोसोन, फर्मियोन, और लेप्टॉन, ठीक है। हेड्रॉन्स पार्टिकल कौन से होते हैं, बोसोन पार्टिकल कौन से होते हैं, फर्मियोन्स पार्टिकल कौन से होते हैं, लेप्टॉन्स पार्टिकल कौन से होते हैं, उनके बारे में क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हेड्रॉन, हेड्रॉन देखिएगा, हेड्रॉन पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर क्या लगता है भी स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होता है भी। हेड्रॉन्स कौन से होते हैं भी, जिन कणों पर प्रबल बल लगता है, जिन कणों पर प्रबल बल लगता है वो क्या कहलाते हैं, हेड्रॉन कहलाते हैं भी। जिन कणों पे क्या लगता है भी प्रबल बल अप्लाई होता है वो क्या कहलाते हैं भी, आपके हेड्रॉन कहलाते हैं। और एक नाम सुना होगा भी आपने, लेप्टॉन, लेप्टॉन्स कौन से होते हैं भी देखिएगा, जिन कणों पर प्रबल बल, प्रबल बल नहीं लगता है भी, जिन कणों पर प्रबल बल नहीं लगता है वो लेप्टॉन कहलाते हैं, लेप्टॉन कहलाते हैं भी। पार्टिकलों को की दो श्रेणी हो गई इस प्रकार से भी, दोनों मुख्य नाम जाने जाते हैं भी, हेड्रॉन्स और लेप्टॉन भी। जिन कणों के ऊपर क्या होता है भी प्रबल बल अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होता है वो तो क्या कहलाते हैं भी, आपके हेड्रॉन्स कहलाते हैं। और जिन कणों पे क्या भी प्रबल बल अप्लाई नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं भी, आपके लेप्टॉन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में भी आपका हेड्रॉन्स हो गया, क्या हो गया, क्या होता है भी आपके लेप्टॉन्स हो गए भी। हेड्रॉन पार्टिकल के अंदर कौन से पार्टिकल आएंगे भी, वो पार्टिकल जिनके ऊपर प्रबल बल अप्लाई होता हो हेड्रॉन कहलाएंगे, और वो पार्टिकल जिन पे कि अभी प्रबल बल नहीं लगता है वो क्या कहलाएंगे भी, आपके लेप्टॉन कहलाएंगे। अब बोसोन और फर्मियोन्स क्या होते हैं,
देखिएगा। बोसोन और फर्मियोन्स, बोसोन। अब के इस पार्टिकल के अंदर वो पार्टिकल आते हैं भी, इस पार्टिकल बोसोन के अंदर के भी वो पार्टिकल आते हैं जिनकी स्पिन क्या होती है भी इंटीजर के रूप में होती है भी, या तो मान लो भी इनकी स्पिन क्या हो भी 0, 1, 2, 3 भी, जो पार्टिकल दिए गए हैं उनकी स्पिन 0 हो 1 हो 2 हो, स्मॉल ऐसे यहाँ पे थोड़ा ध्यान कर लेना ठीक है, 0 है 1 है 2 है 3 है, इस प्रकार से हो वो पार्टिकल सारे क्या कहलाएंगे भी, बोसोन की श्रेणी में आते हैं भी। जिन पार्टिकलों की स्पिन क्या हो भी 0, 1, 2, 3 हो वो क्या कहलाते हैं भी, आपके बोसोन कहलाते हैं ठीक है। और ये जो बोसोन नाम है, एक तो हो गया भी बोसोन पार्टिकल के अंदर कौन से पार्टिकल आएंगे जिनकी स्पिन क्या हो भी 0, 1, 2, 3 हो, बोसोन्स कहलाएंगे। और दूसरा देखिएगा भी बोसोन नाम किसके आधार पे रखा गया भी, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे रखा गया ठीक है। बोसोन जो नाम रखा गया भी सत्येंद्रनाथ बोस के नाम के ऊपर रखा गया। अब दूसरा बताता है जो बोसोन पार्टिकल होते हैं वो क्या है भाई, बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स का पालन करते हैं, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी भी। बोसोन के अंदर कौन से पार्टिकल आएंगे भी, वो पार्टिकल आएंगे जिनकी स्पिन क्या होती है भी 0, 1, 2, 3 होती है ठीक है, इंटीजर के रूप में होती है। और ये इसका बोसोन नाम रखा गया सत्येंद्रनाथ बोस के स्थान के नाम के ऊपर है। और ये जो स्टेटिस्टिक्स है भी वो बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स का क्या करते हैं भी, पालन करते हैं। तो भी बोसोन के अंदर आ गया भी इंटीजर स्पिन भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 जिनकी स्पिन होगी वो सारे पार्टिकल क्या आएंगे भी, बोसोन के अंदर आते हैं। फर्मियोन्स क्या होता है, फर्मियोन देखिएगा, फर्मियोन भी फर्मियोन्स पार्टिकल के अंदर वो पार्टिकल आते हैं भी, फर्मियोन्स के अंदर क्या होते हैं भी, वो पार्टिकल आते हैं जिनकी स्पिन क्या होती है भी, हाफ इंटीजर के रूप में होती है भी, जिनकी स्पिन क्या होगी 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 इस प्रकार से जिनकी स्पिन होती है स्पिन क्वांटम संख्या भी। फर्मियोन्स के अंदर वो पार्टिकल आते हैं जिनकी स्पिन क्या होती है भी 1/2 हो 3/2 हो 5/2 हो 7/2 हो इस प्रकार से क्या होती है भी, स्पिन होती है, इसके अंदर क्या आते हैं भी, फर्मियोन्स आते हैं। और जो भी जिन पार्टिकलों की स्पिन क्या हो भी हाफ इंटीजर के रूप में हो 1/2 हो 3/2 हो 5/2 हो 7/2 हो 9/2 हो 11/2 हो 13/2 हो इसके अंदर भी जिन पार्टिकलों की स्पिन की भी इस प्रकार से होगी हाफ इंटीजर के रूप में होगी वो क्या कहलाएंगे भी, आपके सारे पार्टिकल फर्मियोन्स कहलाएंगे ठीक है। और जो फर्मियोन्स नाम रखा गया, फर्मी नाम के साइंटिस्ट थे उसके नाम के ऊपर रखा गया। और जो इन पार्टिकलों की के जो स्टेटिस्टिक्स का पालन करते हैं वो पालन करते हैं भी फर्मी डिराक सांख्यिकी भी, फर्मी डिराक सांख्यिकी का क्या करते हैं भी, पालन करते हैं। तो देखिएगा अभी हमारे पास पार्टिकल कौन से थे भी,
हेड्रॉन्स थे भी, हेड्रॉन्स कौन से पार्टिकल होते हैं जिन कणों के ऊपर प्रबल बल अप्लाई होता है, वो हेड्रॉन कहलाते हैं। लेप्टॉन्स क्या होते हैं, जिन कणों पे के अभी प्रबल बल अप्लाई नहीं होता लेप्टॉन्स कहलाते हैं, भी लेप्टॉन पार्टिकल कहलाएंगे। बोसोन क्या होते हैं, जिन पार्टिकलों की स्पिन क्या होती है भी इंटीजर के रूप में होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से होती है, वो सारे क्या कहलाएंगे भी पार्टिकल, बोसोन कहलाते हैं कहलाएंगे। फर्मियोन्स क्या कहलाते हैं, जिन पार्टिकलों की स्पिन क्या होती है भी 1y2, 3y2, 5y2, 7y2 इस प्रकार से होती हैं, वो सारे पार्टिकल क्या कहलाएंगे, फर्मियोन कहलाएंगे। आगे देखते हैं भी डिवाइड किस प्रकार से किया गया, अभी क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया, और जो नॉर्मल पार्टिकल है अभी 100 के ज़्यादा तो बहुत याद रखने मुश्किल हो जाते हैं, बट जो डेली यूज के पार्टिकल है उनके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से होंगे। तो देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, भी क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया भी स्पिन के आधार पे, वो देखेंगे भी यहां पे आज। तो देखिएगा एलिमेंट्री दिखाई दे रहा ऊपर सही, एलिमेंट्री पार्टिकल को के भी स्पिन के आधार पे आज जो पढ़ेंगे, स्पिन के आधार पे के किस प्रकार से पार्टिकलों को डिवाइड किया गया वो देखेंगे भी। एलिमेंट्री पार्टिकल को के भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, चल रहा है वो स्पिन के आधार पे डिवाइडेशन है, भी स्पिन के आधार पे किस प्रकार से के भी डिवाइड किए गए। तो एलिमेंट्री पार्टिकल को एक तो भी देखिएगा जिनकी स्पिन क्या होती है भी 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है, और या जिनकी स्पिन होती है भी 1y2, 3y2, 5y2 ठीक है, या तो बोल सकते हैं भी जिनकी स्पिन क्या होती है 0, 1, 2 वाले को एक साइड में डिवाइड कर दिया गया, 1y2, 3y2, 5y2 वाले को क्या भी एक साइड में डिवाइड कर दिया गया, या तो बोल दो क्या भी इंटीजर है मल्टीपल ठीक है, या इसको बोल दो भी आप हाफ इंटीजर मल्टीपल ठीक है। जो इंटीजर मल्टीपल पार्टिकल थे, इंटीजर मल्टीपल इनको नाम क्या दिया गया, ये पार्टिकल क्या कहलाते थे भी आपके, बोसोन। ये पार्टिकल आपके कौन से थे भी आपके, फर्मियोन्स भी, बोसोन हो गए और दूसरे क्या हो गए भी फर्मियोन्स हो गए भी, दो टाइप से डिवाइड कर दिया गया भी, एक तो बोसोन की श्रेणी वाले पार्टिकल आ गए और दूसरे क्या हो गए भी फर्मियोन्स की श्रेणी वाले पार्टिकल आ गए, यहां तक क्लियर। उसके बाद में क्या भी बोसोन पार्टिकल के अंदर कौन से पार्टिकल आते थे उनको भी दिखाए गए अभी यहां पे,
देखिएगा भी, एक तो फोटोन ठीक है जिसको गामा से डिनोट करते हैं, एक है ग्रेविटॉन जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और एक मैसोन। मैसोन बी फोटोन होता है ठीक है, जो फोटोन पार्टिकल होता है, फोटोन पार्टिकल होता है जिनकी स्पिन क्या होती है भी वन होती है। फोटोन पार्टिकल की स्पिन क्या होती है भी वन होती है, ग्रेविटॉन की स्पिन क्या होती है भी टू होती है, और मैसोन पार्टिकल की स्पिन क्या होती है भी जीरो होती है ठीक है। इनके ऊपर चार्ज क्या होता है भी, फोटोन का चार्ज क्या होता है भी जीरो होता है, ग्रेविटॉन का चार्ज क्या होता है भी जीरो होता है। इसका जो के भी मैसोन्स के अंदर के अभी बहुत सारे पार्टिकल आते हैं उनको डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया अभी जिनकी स्पिन वन होगी वो फोटोन के अभी फोटोन क्या होता है अभी बोसोन कहलाता है, ग्रेविटॉन के अभी बोसोन कहलाता है, मैसोन्स के अंदर के अभी पार्टिकल आते हैं, मैसोन के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो देखिएगा आप कायोन्स पाइओन्स और इटा या इटानोड दोनों ही लिख देते हैं भी, या तो क्या हो जाएगा भी कायोन्स या पाइओन्स या भी आपका इटा पार्टिकल, या इसको इटा मैसोन भी बोल देते हैं ठीक है। इस प्रकार से के भी डिवाइड किए गए। अब क्या है भी कायोन्स पार्टिकल के अंदर भी हमारे कौन से पार्टिकल आते हैं, K प्लस है, K माइनस है, K नोड है, K नोड की बार ये पार्टिकल आएंगे ठीक है। पायोन्स के अंदर कौन से पार्टिकल आते हैं भी, पाई प्लस है, पाई नेगेटिव, पाई जीरो ठीक है। इन सभी पार्टिकलों की स्पिन क्या होती है भी जीरो होती है भी। मैसोन के अंदर जितने सारे पार्टिकल होंगे उनकी स्पिन क्या होती है भी जीरो होती है, और इसके अंदर क्या होती है भी इटा और इटा नोडी होते हैं, या तो भी दोनों एक ही बात है, अलग अलग पार्टिकल नहीं है दोनों एक ही है, या तो कई बार इसको इटा लिख देते हैं और कई बार इसको क्या भी इटा नोड से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये तो हो गए मैसोन्स के आधार पे। अब क्या होता है भी फर्मियोन्स को भी डिवाइड किया गया भी, ये मोस्टली पार्टिकल वो है जिनको आपको क्या भी याद रखने होते हैं, इनका काफी ज्यादा यूज है भी आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, जो एमएससी की आपकी फाइनल ईयर के अंदर जो न्यूक्लियर फिजिक्स लगती है उसके अंदर तो काफी ज्यादा यूज है, या जो आपके नेट के पेपर में या भी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी केबिन से पार्टिकलों से रिलेटेड इनकी स्पिन पूछी जाती है। अब जो फर्मियोन्स होते हैं उनको भी केबी दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है भी, ठीक है उनको भी के दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, लेप्टॉन्स लेप्टॉन्स जिनकी स्पिन क्या होती है भाई वन बाई टू होती है, लेप्टॉन्स पार्टिकल जिनकी स्पिन क्या होती है भाई वन बाई टू होते हैं। और बेरियोन्स एक तो लेप्टॉन्स हो गए जिनकी स्पिन क्या होती है भाई वन बाई टू होती है, दूसरे क्या हो गए भाई बेरियोन्स हो गए जिनकी स्पिन क्या होती है भी वन बाई टू भी हो सकती है और थ्री बाई टू भी हो सकती है ठीक है, वन बाई टू भी हो सकती है इसकी और थ्री बाई टू भी हो सकती है भी। लेप्टॉन्स के अंदर फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउऑन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, ठीक है। और इसके अंदर हैं, इन सभी की स्पिन क्या होती है, बी वन बाई टू होती है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे उनकी स्पिन क्या होती है, बी वन बाई टू होती है। तो यहां पे इसका एंटी पार्टिकल म्यू प्लस है, तो ए प्लस है, वी इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, म्यूऑन एंटी न्यूट्रिनो और टाउऑन एंटी न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल मान लो, ये एंटी पार्टिकल मान लो। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, आज एक बार स्पिन के बारे में ही चल रहा है अभी अपना, पार्टिकल के अंदर कौन से आएंगे, ठीक है। अब जो बेरियंस को डिवाइड किया जाता है वो क्या, अभी दो टाइप से डिवाइड किया गया, न्यूक्लियॉन्स हैं और हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के अंदर कौन से पार्टिकल है, न्यूक्लियॉन्स के अंदर स्पिन होती है भी वन बाई टू, और हाइपरॉन्स के की स्पिन होती है भी वन बाई टू या थ्री बाई टू हो सकती है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स के अंदर पार्टिकल आते हैं भी प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, या प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल या न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल और न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल, और हाइपरॉन्स के हाइपरॉन्स के अंदर कौन से पार्टिकल आएंगे वो देखिएगा। इसके अंदर तो कौन से आएंगे, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एंटी पार्टिकल यहां पे दर्शाए गए। अभी एंटी पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे हम थोड़ा, देखिएगा। तो इनकी स्पिन क्या होती है, भी वन बाई टू होती है। आज एक बार स्पिन के बारे में क्या डिस्कशन चल रहा है, हाइपरॉन्स के अंदर कौन से पार्टिकल आएंगे, हाइपरॉन्स के अंदर जो पार्टिकल आएंगे वो देखिएगा आपके बे, यहां पे एडजस्टेबल काम पे करें, नीचे तक दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है, तो आप इसको देखिएगा। अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत नीचे दिखाई दे रहा होगा, अभी उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर क्या है भी ऊपर बना देंगे। भी इसके अंदर पार्टिकल आते हैं भी लैम्डा, लैम्डा, सिग्मा, लैम्डा हो गया, सिग्मा हो गया, जाई ओमेगा, लैम्डा हो गया, सिग्मा हो गया, जाई हो गया, ओमेगा हो गया। इनकी स्पिन क्या होती है भी वन बाई टू, इनकी स्पिन क्या होती है भी वन बाई टू, और इनकी स्पिन क्या होती है भी वन बाई टू, और ओमेगा की स्पिन क्या होती है थ्री बाई टू, ठीक है। के भी इनके बारे में डिस्कशन कर पड़ेंगे, और इनके बारे में जो के भी अभी तक के भी आपका स्पिन के आधार पे भी कंप्लीट डिवाइडेशन नहीं हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।